नमस्कार, सीएमएन न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कनिका। कौशाम्बी जिले की सबसे पहले बात करते हैं। कौशाम्बी जिले के रामपुर मड़ुकी गांव में भट्टा मजदूर की झोपड़ी में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। झोपड़ी में सो रहे एक ही परिवार के 8 लोग आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जिस वक्त ये घटना हुई, पूरा परिवार झोपड़ी में सो रहा था। कैसे हादसा हुआ ये? आग लगी है साहब। कौन कौन घायल है? घायल महंगू लाल है, 12 साल का है, और शत्रुधन 8 साल का है। वो घायल नहीं है, वो मर चुके हैं ये दोनों। कैसे आग लगी? आग का नहीं पता साहब, 4 बजे के बाद लगी है, ये नहीं पता कैसे लगी साहब। कितने लोग हैं? कुल 7 बच्चे हैं और 2 प्राणियों हैं। तो कै खत्म हुए? 2 खत्म हुए हैं। नाम क्या? मेरा नाम सुदीना है, मेरे भाई के बच्चे थे। कौशाम्बी के भरवाली रेलवे स्टेशन पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों ने देखा तो रेलवे स्टेशन मास्टर को सूचना दी। स्टेशन मास्टर ने जीआरपी पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंचे जीआरपी ने शव को कब्जे में भेजकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने समर्थकों के साथ रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। नामांकन के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के अलावा कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और प्रकाश पंत के साथ कई विधायक भी मौजूद रहे। नामांकन के दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हरिद्वार समेत और अल्मोड़ा से लेके पौड़ी, टेहरी और जो नैनीताल की सीटें हैं, यानी कि 5 लोकसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने वाली हैं। और जो मत प्रतिशत पिछली बार पड़ा था, उससे भी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से विजयी होकर जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगी। अभी हरीश रावत जी, अब उनके आगे हार का लेबल लग चुका है और एक लेबल उनके ऊपर और लगने वाला है। इस चुनाव में जो मुद्दा है, नरेंद्र भाई मोदी का विकास का मुद्दा है, जो उन्होंने 55 महीनों में करके दिखाया है, देश की सुरक्षा, सैनिकों का सम्मान और नरेंद्र भाई को पुनः प्रधानमंत्री बनाना। हम पूर्णतः आश्वस्त हैं, आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से कमल का फूल खिल रहा है भारतवर्ष में और हरिद्वार भी इससे अछूता रहेगा नहीं। सबूत, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस, पूर्व मंत्री केंद्रीय हरीश रावत जी का हरिद्वार से देहरादून से नैनीताल पलायन कर जाना, ये पलायन सिद्ध करता है राष्ट्र नेता का कि निशंक जी जीत रहे हैं। हम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनके साथ हैं और कमल खिलेगा और बहुत तगड़े बजू से खिलेगा, बड़ी जीत होगी। कल तक कब कहा मैंने, जब तक टिकट फाइनल नहीं हुआ था। देखिए, हर कार्यकर्ता का अधिकार है टिकट मांगना, हमने पूरी जोर शोर से मांगा, इंटरनेशनल चैंपियन उसी स्टाइल में मांगा, पहलवानी के स्टाइल में। लेकिन एक समर्पित अनुशासित सिपाही भी हूँ, जब पार्टी ने नाम डिक्लेयर कर दिया उसके बाद मैंने नहीं कहा, मैं पार्टी के डिसीजन के साथ हूँ, सिपाही हूँ भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी को जिताने में दिन रात एक कर दूंगा। ये सीट हमने पिछली बार 2.25 लाख मतों से जीती है और इस समय हम बहुत अच्छा उससे भी आगे रिकॉर्ड बनाएंगे। लोगों में उत्साह है और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों को जीतेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश ने ऊंचाइयों को छुआ है, उत्तराखंड में भी हमारी सरकार पूरी ताकत के साथ इस राज्य के विकास के लिए आगे बढ़ रही है और लोग बहुत खुश हैं। लोगों के घर तक विकास जा रहा है, व्यक्तिगत लोगों को लाभ मिल रहा है और 50 साल में 60 साल में जितना विकास का काम नहीं हुआ होगा वो इन 5 सालों में केंद्र सरकार की अगुवाई में हो रहा है। इसलिए 55 साल 55 साल हैं और हरिद्वार लोकसभा में भी हमने ये रिकॉर्ड तोड़ा है,
चाहे वो संसद में उपस्थिति की दृष्टि से 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा हो, चाहे विकास की दृष्टि से तोड़ा हो 50 साल, 5 साल में 50 साल के बराबर क्या हो, और चाहे व्यक्तिगत लाभ लगभग 10 लाख लोगों को सीधा सीधा व्यक्तिगत लाभ मिला है विभिन्न योजनाओं में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए हैं। और इधर भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी लोकप्रिय जनकल्याणकारी योजनाएँ जो आम व्यक्ति तक सीधा सीधा, जिसमें आयुष्मान उत्तराखंड जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है, तो निश्चित रूप में लोगों को ये लग गया कि विकास करेंगे तो यही करेंगे, किया तो इन्होंने किया, भविष्य में भी इन्हीं पे, इसलिए एक तरफा मतदान होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। तो कांग्रेस अपने चक्रजाल में वो उन जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं वो इन्हीं छोटी छोटी हथकंडों को, उत्तराखंड की जनता ने इसको खारिज किया हमेशा, और हरिद्वार में तो मैं 2.25 लाख मतों से जीता हूँ, तो हरिद्वार के लोगों को उनको आप और एक अच्छा जवाब मिल जाएगा, इस चुनाव को देखते रहिए। बिजनौर के कांग्रेस पार्टी दफ्तर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता की ताकि जन जन तक मीडिया के माध्यम से बिजनौर वासियों तक कांग्रेस की कल्याणकारी योजना उनके घर तक पहुंच सके। राहुल गांधी के मुताबिक न्यूनतम आय योजना के तहत देश के गरीब तबके के लोगों को कांग्रेस ने 12,000 रुपए मासिक महीना देने की घोषणा की है, जिसे लेकर देश के 5 करोड़ परिवार को 25 करोड़ रुपए की स्कीम का लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। और वो सर्व समाज के समान लोगों के, इसको लेकर के एक ये हमारे पास जो निर्णय लिया गया है उसकी प्रति आई है, जिसको हमने यानी जिला बिजनौर कांग्रेस पार्टी में ये जरूरी समझा कि आप लोगों के माध्यम से जो निर्णय लिया गया है और उसकी प्रेस भी की गई, उसकी प्रेस की प्रति है जो माननीय राहुल गांधी जी ने फैसला लिया है, आप लोगों को और आप लोगों के माध्यम से आम जनता तक ये जाए। मैं प्रेस के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके मुख्य बिंदु आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो है ये है कि कल कार्य समिति की बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। आज कांग्रेस अध्यक्ष ने इस देश के गरीबों पर वार करने को लेकर, गरीबी पर वार करने को लेकर, इस देश की गरीबी पर वार करने को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात की है और उस पर चर्चा किया है, और वो ये है कि श्री राहुल गांधी जी ने कहा है कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान की जनता को बहुत मुश्किल सहनी पड़ी है, खास तौर पे जो हमारे गरीब लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलें सहनी पड़ी हैं, तो अब कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम हिंदुस्तान के। बात करते हैं होशंगाबाद की, जहां पर सिवनी मालवा में रिश्तों को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। बता दें कि यहां पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और फरार हो गया। वहीं हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी जांच शुरू कर दी। रात को 1 बजे करीब एक महिला आई थी, कौशल्याबाई, पति भंग निवासी पीपल डोन की। उसने बताया कि मेरे पति ने मुझे और सुरेंद्र गौर के साथ मारपीट की है और कहता है कि तू इसके साथ तेरे अवैध संबंध है, इस कारण उसको सुरेंद्र गौर को लट से मारा। भंगू गोंड और पेपर लोन के उसके 2 साथियों, फिर उसके जाकर हमने अस्पताल में उसकी FIR ली,
पोस्टमार्टम करवाया, आरोपी की तलाश की, जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर न्यायालय हिरासत में भेज दिया जाए। प्रथम दृष्टया पुलिस ने क्या पाया, क्या मामला हो सकता है? 302 लग रहा है कि अवैध संबंध के चलते हत्या हुई। ये सही है। क्या मामला? कल देर रात को मारपीट के बाद सुरेंद्र गौर, उम्र 45 वर्ष, निवासी सीमी मालवा, और एक 22 हाथ में थी कौशल्या, जो घायल अवस्था में लाई, जो सुरेंद्र गौर है वो मृत अवस्था में लाया गया, मारपीट हुई उनके साथ, उनका PM8 होगा। कौशल्या भाई को सर में चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है। वहीं सिवनी मालवा में अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर आई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, वहीं अपनी आगामी जांच शुरू कर दी। ये अज्ञात लाश की सूचना 100 डायल द्वारा मिली थी जी, तो मौके पे आके मैंने लिखा पड़ी करी जी, OPM कराने के लिए अभी भेज दी। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंची है तो प्रथम दृष्टया क्या पाया है? अज्ञात कारण है। ये लोगों ने बताया कि कई दिनों से सिवनी मालवा में पागल था जी, मांगता खाता रहता था। उम्र लगभग कितनी वर्ष होगी? 55। बागली की बात करते हैं, जहां पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मनोरमा के जंगल में आग लग गई। ये आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते उसने भारी संख्या में पेड़ों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि जंगल की पहाड़ी पर आग लगी है। शाहबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मौजूद राजकीय यूनानी चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र पर आ रहे रोगियों को डॉक्टरों द्वारा मताधिकार करने की अपील की। तो इसमें आप जो है यहाँ पे महिलाओं को, बाकी लोग आए मरीज आए, उनको मत जाने की जो है प्रशिक्षण चल रही है, उनको सलाह दे रही है, तो इसमें इन औरतों को किसी को बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ये तो अधिकार है हमारा। जबलपुर संसदीय सीट से चौथी बार लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह टिकट मिलने के बाद मां नर्मदा के पूजा अर्चना करने पहुंचे। लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी श्री गणेश करते हुए सांसद राकेश सिंह ने एक बार फिर जीत का भरोसा जताया। राकेश सिंह के मुताबिक जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की बदौलत एक बार फिर जबलपुर सीट भाजपा जीत रही है। आ जाओ, ऐसे आओ ना बोल भाई। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति कि जिन्होंने मुझ पर फिर से एक बार भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी के जबलपुर से उम्मीदवार के रूप में मुझे घोषित किया। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के अपने संसदीय क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधियों का, भारतीय जनता पार्टी के जी तोड़ परिश्रम करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ में काम किया है और जिनके कारण विकास की एक लंबी इबारत हम इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र में लिख पाए हैं। आज जिस तरह का वातावरण पूरे देश में है, पूरा देश चाहता है कि फिर से माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इन 5 सालों के भीतर देश में जितने विकास के कार्य हुए हैं, आज़ादी के बाद के कांग्रेस की सरकारों के 55 सालों में वो काम नहीं हुए, और उसके साथ साथ दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ा, और उससे भी बड़ी बात देश में राजनीति और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के प्रति विश्वास का भाव जनता के मन में पैदा हुआ, जो कांग्रेस की सरकारों के समय पर पूरे तौर पर लुप्त हो चुका था, समाप्त हो चुका था। और इसलिए देश की जनता चाहती है, मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि माननीय मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र में केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद से विकास के जो कार्य हुए हैं, कांग्रेस की किसी भी सरकार के कार्यकाल में उसकी कोई दूसरी मिसाल हमें देखने को नहीं मिलती। वैसे भी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी का नेतृत्व मिलने के बाद इस जबलपुर और इस महाकौशल के क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए थे, उनके कारण ही जबलपुर के साथ साथ इस महाकौशल की उपेक्षा के दंश पर हम मरहम लगा पाए थे, और यही स्थिति कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश की थी।
मध्य प्रदेश में चारों तरफ सड़कों का जाल बना हुआ दिखाई देता है। विकास और जनहित के वो कार्य माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में हुए हैं जिनकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, और इन सभी कारणों से इस जबलपुर संसदीय क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद के कारण मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर खड़े हुए सभी जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि जबलपुर संसदीय क्षेत्र में तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी ही, जनता के आशीर्वाद के कारण, कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण। लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में 29 में से 26 सीटें अभी हमारे पास हैं, 29 में से 29 सीटें इस बार हम जीतेंगे। आज माँ के आशीर्वाद से, एक तरह से मैं कहूँ तो भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों ने हमारे चुनावी अभियान का श्री गणेश कर दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने आज शाहजहांपुर में खिरनी बाग रामलीला मैदान में विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सपा सांसद मिथिलेश कुमार अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शामिल हुए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए CNN News पर। तब तक के लिए नमस्कार।